रहीम, मेरा नाम प्रोफेसर उल्फत हुसैन अलवंदी है। मैं अपने वीडियो चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैंने अपने तालबिलों से इल्म के मतलब नहीं बल्कि कोरोना के मतलब गुफ्तगू कर ली। जैसे हुकूमत पाकिस्तान ये बात की कि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं। मैं समझता हूँ कि आज के मुसलमान अपनी तमाम आदात को देखने की कोशिश तो करें, रबीउल जलाल को कौन सी ऐसी बात से छोटी सी नाराजगी का इजहार किया। कितना छोटा वायरस जो देखा भी नहीं जा सकता और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आप यकीन करें कि अभी मराकेश के मुसलमानों ने अपने घरों की छतों पर चढ़ के अल्लाह की ज़ात को इतने ज़ोर ज़ोर से और इतने रो रो के पुकारा। मैं समझता हूँ कि किसी नन्हे मासूम बच्चे के आंसू उसकी खुसूसी मोहब्बत को ज़रूर पुकारें। खुदा की ज़ात तो 70 माओं का प्यार रखती है, फिर वो पूरी कायनात के लोगों से इस नफरत का इजहार क्यों कर रहे हैं। आइए बस ये कि मुसलमान हम कोशिश करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह बेहतरीन जिक्र है, अस्तगफार बेहतरीन दुआ है, इसको अपना नजरिया बताएं। हुकूमत पाकिस्तान का साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने आप को घरों में समेट के रखें। आप यकीन करें जितना हम हुकूमत का साथ देंगे उतना ही फ़ायदे में रहेंगे। हमारा मुल्क तो तरक्की याफ्ता ममालिक की फ़हरिस्त में आता ही नहीं, ये तो तरक्की पज़ीर ममालिक है। खुदा ना करे अगर ये वबाई मर्ज फैल जाता है तो हमारे लिए तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। आइए हम अहद करते हैं अपना हुकूमत पाकिस्तान का साथ देंगे, अपने आप को घरों में आइसोलेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, सफाई निसफ ईमान है, इस फार्मूले को अपनाएं। अल्लाह ताला अपनी तमाम मुश्किल से हमें बचाए। कल रात को ARY न्यूज़ की तरफ से मौलाना तारिक जमील साहब ने दुआ रिकत अगेज दुआ मांगी। आप यकीन करें नन्हे नन्हे बच्चों के उठे हुए हाथ, इंशाल्लाह खुदा की ज़ात अपनी बारगाह में इस दुआ को ज़रूर कबूल करेगी। हम लोग आज से ही ये अहद करते हैं कि अपने आप को इंशाल्लाह इंशाल्लाह आइसोलेट करेंगे घरों तक, हुकूमत पाकिस्तान का साथ देंगे और पाकिस्तान के तमाम आवाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।